दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे इधर पूरा दिन बिजली नहीं है। बिजली ना होने की सूरत में मैं सोच रहा हूं कि मैं एक ग्राइंडर और हीटी जो मेरे पास नीचे है उसको कैसे मैं चलाऊं। ये दो मेरे पास ग्राइंडर और हीटी है, इसको कैसे मैं चलाऊं? मेरे पास बिजली नहीं है, बिजली के बगैर मैं इसको कैसे चला सकता हूँ? और दोस्तों, ये ऐसी वीडियो आपको किसी पूरे YouTube में नहीं मिलेगी। पूरे YouTube में आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जैसे वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको परफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपके फ़ायदे के लिए। आपके फ़ायदे के लिए मैं दे रहा हूँ, कोई भी आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। इसमें आपको फ़ायदा होगा, आप वीडियो फुल देखें और हो सके तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। ये ग्राइंडर और एलटी मैं सोलर पैनल से चला के आपको दिखाऊँगा। ये 370 वाट की प्लेट है मेरे पास, बड़ी प्लेट है। छोटी प्लेटें भी हैं, वो मेरे पास दो है और ये बड़ी प्लेट है। ये बड़ी प्लेट से हम पहले पर करंट चेक करेंगे, आपको दिखा देते हैं कि आपने इसकी वायर चेक कर लें। हमने कहीं भी से भी वायर नहीं लगाई हुई है। इसकी प्लेट तो तार जा रही है नीचे बैटरी में जा रही है, ऊपर प्लेट में जा रही है। देखें इसकी दो जो मैन तारे हैं जिसमें करंट आ रहा है, ये देखें करंट इसमें। देखें मैं करंट आपको दिखाता हूँ, इन दोनों को हाथ ही लगाता हूँ, आप ही आपको लगा कर दिखाता हूँ। देखें इसमें करंट नहीं है, इसमें अभी डायरेक्ट वोल्टेज है। डायरेक्ट वोल्टेज देखें, देखें कितने वोल्टेज इसमें। प्रूफ के साथ कहूँगा आपको, देखें ये करंट इसमें से आ रहा है। मैं शुक्र है कि ये मेरी पहली वीडियो है, YouTube में मेरी पहली वीडियो होगी जो इस बारे में किसी को दिखाएंगे। ये ग्राइंडर है मेरा, इस पर सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे, मीटर में वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज कितने आ रहे हैं इसके, कितने वोल्ट पे ये ग्राइंडर काम कर रहा है, चल रहा है। ग्राइंडर पर 220 का है, 12 वोल्ट का नहीं है, आप समझ रहे होंगे 12 वोल्ट का है। इसके बाद देख लें रियली 220 का है। रियलिटी भी बारिश हो तो आज आप देखिए तार हमारी ये लगी हुई है। ये बेसिकली बाहर की है, यानी कंपनी की है। कंपनी की होगी तो चलेंगी सोलर पे, अगर कंपनी की नहीं होगी नहीं चलेंगी। अभी इसके वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज हम मीटर ऑन कर दिया है, इसके वोल्टेज हम चेक करेंगे कितने वोल्टेज हमारे आ रहे हैं। ये हमारे लगाते हैं साथ प्लस माइनस कितने हमारे 44 वोल्ट आ रहे हैं। अभी 44 वोल्ट से हम क्या करेंगे, इस ग्राइंडर को एलटी को चला कर चेक करेंगे क्या करना है। आपने इसकी जिसको आपने इसलिए लगाया कि आपको नज़र आए कि ये चल रहा है, साथ आपको साउंड भी आएगा। इसको आप सेफ्टी से आपने जैसा स्विच ऑन कर लेना है, स्विच ऑन करना है और फिर इसको आपने एक तार आपने लगा देनी है। दूसरे आपने मोबाइल है इसलिए ये मेरा वीडियो देखिए, मैं दिखाऊँगा, ये मैं लिखाऊँगा आपके सामने लगा रहा हूँ। ऐसे कोई भी हाथ में लगा कर चेक नहीं करता, इसको लगाता है अगर वोल्टेज होंगे तो करंट मारेगा। देखें डिस्क जो है डिस्क थोड़ी सी लूज है इसलिए वजह से, और दिखाएं देखें मार्क देता हूँ, इसको मार्क देता हूँ, इसको मार्क देता हूँ। देखें आपको दिखाना, अभी थोड़ी इस पावर कम थी हो गई है। अभी इसको हम दूसरी प्लेट को और लगा साथ टच सीरीज में लगा कर देखेंगे। देखें दोस्तों, भाई प्लेट दूसरी भी मैंने प्लेट उसका भी जो कनेक्शन ले आया हूँ लगा के भी मैंने सीरीज लगा दी, प्लस माइनस इनकी जोड़ दिया और ये दो प्लस
ऊपर आपके 44 वोल्ट जा रहे थे ना, अभी हम वोल्ट चेक करते हैं कि कितने वोल्ट जा रहे हैं। अभी दोस्तों चेक करो कितने कितने वोल्ट जा रहे हैं, देखें कितने वोल्ट जा रहे हैं, 62 वोल्ट जा रहे हैं। अभी इसको हम लगा के देखेंगे, इस ग्रेंडर को हम लगा के देखेंगे इसके साथ कितनी स्पीड से भागता है। अभी देखें इसका स्पीड तेज़ हो गया है, इसका स्पीड तेज़ हो गया है। रोटियाँ हमको चेक करेंगे, रोटियाँ हमको कैसे, इसमें हमने फिर लगा रही है एक बार, देखें पावर लगा रही है, हाथ लगा रही है कि आपको शक ना हो जाए कि कितनी पावर है। इसमें कोई पावर नहीं है, इसमें हम इसको लगाएंगे, पहले तारे जोड़ लेंगे, तारे जोड़ के फिर आपका हाथ लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों मैं लगा रही है, अभी इसको मैं हाथ लगाता हूँ, इसमें पावर नहीं है, करंट नहीं है, आप समझ लेंगे। इसमें 20 लगाया हुआ है पीछे से चोरी से, इसकी तार सोलर में गई हुई है, एक तार इसमें सोलर में गई हुई है, 62 वोल्ट जा रहे हैं। हम इसको बटन दबाएंगे, बटन दबा कर हम चेक करेंगे हमारा चलता कि चलता है। ये हमारा चल गया है, इसको हम थोड़ा यूज़ पे करेंगे, यानी हमारा अगर अगर हमारे पास होगा कुछ चीज़ होगा तो 2-3 प्लेटें होंगी तो हमारे पास ये काम कर सकती हैं, ये पर सोलर प्लेट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।